कालादस्ती का, कानून की हुक्मरानी का और इंसाफ होता है। और ये भी हमें यकीन था कि पाकिस्तान में ये सारे जो हकूक हैं और सारी जो आज़ादियां हैं उनको हासिल करने के लिए एक और बहुत बड़ी आज़ादी है, और वो है एहतजाज की आज़ादी, द राइट टू प्रोटेस्ट। और आपको याद होगा कि ये राइट टू प्रोटेस्ट ही हमारे आबाओ अजदाद ने इस्तेमाल की और पाकिस्तान बनाया। और जनाब चेयरमैन, आप तो जिस पार्टी से मुंसलिक हैं उस पार्टी ने इसी हक को इस्तेमाल करके आमरियत और मार्शल लॉ के खिलाफ कामयाबी से जंग लड़ी। इसी हक की वजह से यही जो आज़ादी है हमारे पास एहतजाज करने की, मेरी नज़र में पाकिस्तान अजीम है। लेकिन 9 सितंबर को जो हुआ, जिस तरह एहतजाज की जुर्रत करने वालों को, जो हमारे ही पार्लियामेंट के रुकन हैं, गिरफ्तार किया गया, ढूंढ ढूंढ के पार्लियामेंट के ही अहाते से गिरफ्तार किया गया, वो आज जम्हूरियत, इंसानियत, आईन और इस हक का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एहतजाज का हक, उसके ताबूत में आखिरी कील है। और मुझे जो अफसोस है और हैरानी होती है कि मेरे दोस्त जो दूसरी साइड पे बैठे हैं और उनके कायदीन इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। जनाब, याद रखें कि इंग्लिश का, अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मुझे जो मैं ज़ाती तौर पे इस दिन से डरता हूँ, जब आपको भी ये सब कुछ का सामना ना करना पड़े, आपका भी जो हक है एहतजाज का, उसकी वजह से आपको भी बड़े शर्मनाक तरीके से गिरफ्तार ना किया जाए, उस दिन आप शायद ये मेरी बातें याद रखेंगे। जनाब चेयरमैन, पार्लियामेंट जो है मुकद्दस है, खुद मुख्तार है, आइन साजी, कानून साजी का अदारा है, इसकी इमारतें और अहाता भी एक मुकद्दस जगह है। हम जो रुकने असेंबली हैं, सेनेटर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमें आइन महफूज रखता है। हम तो कानून साजी करते हैं दूसरे लोगों की हिफाजत करने के लिए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमें ही इस नाम नहाद जम्हूरी हुकूमत के तहत पकड़ पकड़ के बुरी तरह जलील करके गिरफ्तार किया गया। और कस्टोडियन जो हमारे हैं स्पीकर, उनकी कस्टडी, उनकी मौजूदगी के बावजूद, जिस तरह के जिसने भी किया है उन्होंने कहा पार्लियामेंट तुम लोग बेकार हो, तुम्हारा कोई इज्जत नहीं, क्या करते हो तुम लोग, कानून साजी करते हो ना, अपने आप को सॉवरन कहते हो, देख लो अपनी औकात। जनाब, जो 9 सितंबर को हुआ, मेरी नज़र में पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में वो एक स्याह तरीन, शर्मनाक और काबिले मुज़म्मत दिन है। अपने हकूक़ के लिए एहतजाज की जो आज़ादी है, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि ताकत, इख्तियार और जुल्म के इस्तेमाल से आप लोगों को
दबा सकते हैं, उनको खामोश कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि अवाम भेड़ बकरी है, जिस तरह चाहें उन पर राज करें, तो फिर याद रखें हमें तारीख कुछ सिखाती है। तारीख हमें ये कहती है, तारीख कहती है कि फिर लावे का पहाड़ जो है फट पड़ेगा, फिर इनकलाब आ जाएगा। तैयार हो जाएं फिर इनकलाब के लिए। जनाब इमरान खान साहब ने बड़ी वजाहत से हमें हदायत की हुई है पीटीआई को, और उन्होंने कहा है कि आपने रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े होते रहना है और खड़े रहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि एहतजाज का जो इस्तेमाल है आपने पुरअमन तरीके से करना है, और हमने उस हदायत के मुताबिक हर सूरत हाल में कुव्वत बर्दाश्त का हमने मुजाहरा किया, कुव्वत बर्दाश्त का। लेकिन हमारी ये कुव्वत बर्दाश्त जो है इसको बुजदिली ना समझा जाए। जो हुकूमत है उनको शायद गलत अंदाज़ा है जनाब चेयरमैन, उनको एक गलत फहमी है। उनका ख्याल है कि ताकत और इख्तियार और तशद्दुद के इस्तेमाल से वो बहादुर बन जाते हैं, लेकिन बहादुरी और बुजदिली में एक बहुत बड़ा फ़र्क है जनाब चेयरमैन। जो बुजदिल होता है वो जब उसके पास ताकत और इख्तियार आता है वो समझता है कि मैं बहादुर हूँ, लेकिन जो दलेर है वो किसी तरह गैर मुसल्ला हो के भी वो लोगों के हकूक के लिए दिलेरी से और बहादुरी से लड़ता है। ये है फ़र्क बहादुरी और बुजदिली में। जनाब चेयरमैन अब हमारी कुव्वत बर्दाश्त जो है उसको जो समझ रहे हैं कि वो बुजदिली है समझना बंद कर दें। आप गैर आइनी तरीके से बेबुनियाद एफआईआर्स हमारे खिलाफ फाइल करते हैं, आप हमें एहतजाज करने पे रोकने के लिए गिरफ्तार करते हैं, आप कंटेनर्स लगा देते हैं, आप इतने खौफजदा हैं कि इंटरनेट जो है उसको बंद कर देते हैं, आप टेयर गैस फेंकते हैं, आप जो आज़ादी है एहतजाज की उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और आप समझते हैं कि ये बहादुरी है। असल में ये वही बुजदिली है जो बुजदिल समझता है कि मैं चूंकि मेरे पास ताकत है इख्तियार है मैं बहादुर हूँ। जनाब आपको ये बताऊं कि याद रखें कौमों के हकूक़ के लिए जो खड़े होते हैं वो दहशतगर्द नहीं, वो गद्दार नहीं, वो अपना आइनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब आज इस तरह मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने हमें कहा था कि आपने पुरअमन रहना है, आपने एहतजाज करना है लेकिन किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं करनी, कुव्वत बर्दाश्त करनी है और हम बर्दाश्त करते रहे हैं। लेकिन हमारी कुव्वत बर्दाश्त जो है उसको समझा जा रहा है कि ये बुजदिली है। जनाब अब हमारा सब्र जो है, अब हमारा जो सब्र है वो अरूज पर पहुंच गया है। अब जो पाकिस्तानियों का सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो गया है। लेट मी वॉर्न यू मिस्टर चेयरमैन दैट रेवोल्यूशन इज हैपनिंग एज वी स्पीक, और जब ये वक्त आता है तो फिर कोई भी महफूज नहीं रहता। सब को अपनी लपेट में ले लेता है। जब वक्त आता है कि अवाम फिर अपना खुद ही रास्ता निकालती है, फिर ना सिर्फ पार्लियामेंट रहेगा
ना हम पार्लियामेंटेरियंस रहेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट रहेगा, ना कोई और अदारा रहेगा, कोई भी महफूज नहीं रहेगा, सब इरेलीवेंट हो जाएंगे। वो दिन का आप इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आप जो हक है एहतजाज का उसको ख़त्म कर रहे हैं। आज मैं आपको कहता हूं, मैं इनवाइट कर रहा हूं आप सबको, मैं आपको कहता हूं कि आप अपने आज़ादी के लिए, अपने हकूक के लिए हमारे साथ एहतजाज में शामिल हो जाएं, या फिर अपनी जंजीरों में जकड़े रहें, या फिर आप अपनी खुद ही आज़ादी की खुदकुशी कर लें। जनाब, ये जो एहतजाज का हक है, ये एक ऐसा हक है जिसका एहतराम इस हाउस के हर फर्द को करना है, जिसकी हिफाजत हर शख्स की जिम्मेदारी है। जैसा मैंने कहा, इसी की वजह से पाकिस्तान अजीम है, लेकिन हम उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं उसकी। जनाब, इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा अहम पैगाम है कौम के लिए जो आज मैं देना चाहता हूँ। उन्होंने एक कहा है कि ये एहतजाज का जो हमारा हक है, हम लाहौर का जलसा हर सूरत में करेंगे, चाहे उसका एनओसी हो या ना हो। बहुत हो गया बर्दाश्त, बहुत हो गया ताकत का इस्तेमाल हमारे खिलाफ, अब हम ये लाहौर का जलसा करेंगे। जनाब, उनका दूसरा पैगाम पूरी कौम के लिए है, और वो पैगाम ये है कि अब अपने हक को हासिल करने के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए बहादुर बन जाओ, सड़कों पे निकल आओ। अगर आपके खिलाफ बेबुनियाद एफआईआर होती हैं, अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है सिर्फ इसलिए कि आप अपना आइनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिक्र ना करो। उन्होंने कहा, मैं भी एक साल से ज़्यादा जेल में इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपके कौम के आइनी हक के लिए लड़ रहा हूँ। जनाब, जब से ये वाकया हुआ है, हुकूमत के मिनिस्टर्स भी, जो इस असेंबली के अरकान भी हैं, जो मेंबर्स भी हैं, वो भी माजरत कर रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ। लेकिन जनाब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये पार्लियामेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है, पीटीआई को एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सिर्फ ये कहना कि जनाब हमारी हुकूमत है, हमारी हुकूमत ने हमला किया पार्लियामेंट पे, हमारी हुकूमत ने हमला करके आपके लोगों को गिरफ्तार किया, वो भागते फिर रहे थे, छुपते फिर रहे थे, उनको पकड़ पकड़ के, गर्दन से पकड़ पकड़ के बाहर निकाला, हम माजरत करते हैं। ये इनफ नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ एक चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हुकूमत के जो सरबराह हैं इस वक्त, वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनसे नीचे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं, इन दोनों में से किसी को माजरत के साथ इस्तीफा भी देना पड़ेगा। ये हमारी डिमांड है सर। आखिरी पैगाम ये है कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले इत्तला मिली कि इमरान खान साहब के ऊपर पहले भी एक बार हमला हुआ है, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, और अब जब उन्होंने ये कॉल दिए और ये जो जलसा था 8 सितंबर को, जिसमें पूरी कौम बाहर निकल आई थी, उसके खौफ से उनको फिर थ्रेट्स मिल रही हैं। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन ये वार्निंग उन्होंने कहा है कि इस हाउस के फ्लोर पे दे दूं मैं, जो मैं पैगाम उनका पहुंचा रहा हूं। जनाब, आखिरी बात ये है कि पीटीआई हम आवाम के
लिए अवाम के इस इन हकूक और आज़ादी के लिए खड़े हैं। आपको मैं आखिरी बार फिर से दावत देता हूं कि आप हमारे साथ इस मामले में शामिल हों, इकट्ठे खड़े हों, पार्लियामेंट के तकद्दस के लिए इकट्ठे खड़े हों, जमहूरियत के लिए हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि ये चीज़ हमने साथ लड़नी है। इस चीज़ को आप ये ना ट्रीट करें कि हमारा नुकसान हुआ है, नुकसान हम सबका हो गया। तो आखिरी बार मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपका ज़मीर आपकी मर्जी। थैंक यू जी। थैंक यू। पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग।